वाजपेयी। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनपद वासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। नरेंद्र भंडारी, वरिष्ठ नेता भाजपा, उद्योगपति, समाज सेवी, ऋषिकेश उत्तराखंड की तरफ से समस्त देश व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सभी देश व प्रदेश वासियों को प्रदीप त्यागी ठेकेदार रुड़की की ओर से स्वतंत्रता दिवस और ईद उल अजहा रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर पुनीत त्यागी, पल्मोनोलॉजिस्ट, देहरादून उत्तराखंड की तरफ से समस्त देश व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी, स्वागत है आपका नेशन वन में। रुकरते खबरों का, उत्तराखंड के बागेश्वर में महिला बाल विकास राज्य मंत्री रेखारिया जिला प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार बागेश्वर पहुंची। यहां जिला पंचायत परिसर में बाबा भीमराव अंबेडकर की भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें बीजेपी कांग्रेस ने नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। इस दौरान मंत्री रेखारिया ने कहा कि भीमराव अंबेडकर की भव्य मूर्ति के अनावरण से एक अच्छा संदेश सभी वर्गों के बीच पहुंचेगा। बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया है, हम सभी को उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। बागेश्वर से हरीश नगर कोटी की रिपोर्ट। यूपी के फैजाबाद के ब्लॉक तारुण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधान हरिश्चंद निषाद के सहयोग से 17 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम विकास अधिकारी के साथ साथ विभाग के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से 35,000 की धनराशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की गई और आभूषण, मोबाइल फोन, बर्तन, साड़ी गिफ्ट के रूप में दिए गए। खंड विकास अधिकारी महोदय के सौजन्य से और तमाम अधिकारियों के सौजन्य से यहाँ पर सुबह से लेकर के हम लोग देखे कि तादाद लगी थी, लोग बड़े उत्साह में थे और सब लोगों की शादी कराई गई। हमारे विकास खंड में टोटल 17 लोगों में से ग्राम पंचायत के हमारे 11 लोगों की शादी कराई गई, जिसमें से गरीब, मजलूम और असहाय लोगों की शादी कराई गई मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, और इसमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं और लोगों में उत्साह है। इसके द्वारा 35,000 रुपया अनुमोदित है, जिसमें से 20,000 बच्ची के खाते में RTGS कर दिया जाता है और 10,000 रुपये का पैकेज दिया जाता है, जिसमें से कपड़ा से लेकर तमाम वस्तुएं रहती हैं, और 5,000 रुपये इनके शादी में जैसे टेंट, भोजन और कुर्सी, लाइट जो भी एडजस्टमेंट होता है। फैजाबाद से मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। किरण भट्ट टोडरिया, डायरेक्टर इंडो गंगा हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड, वाइस चेयरपर्सन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड चैप्टर की तरफ से समस्त देश व प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कौस्तुभ मिश्रा, SDM लक्सर की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। की तरफ से क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना हमारी तरफ से, और मैं मोहम्मद शमशेर खान, मदरसा समुद्र। सभी देश व प्रदेशवासियों को मोहम्मद फारूक, वरिष्ठ समाज सेवी रुड़की की ओर से स्वतंत्रता दिवस, ईद उल अजहा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। पंजाब के अमृतसर पुलिस को नाकाबंदी के दौरान उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी में से एक पिस्टल, 30 बोर, एक रिवॉल्वर, 32 बोर, 6 रोज जिंदा बोर बरामद की। साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं एक और केस में नारकोटिक सेल सब इंस्पेक्टर ने कटरा शेर सिंह में गोदाम मोहल्ला के पास एक मोटरसाइकिल की तलाशी के दौरान नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद की, और साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। CA इंचार्ज भविंदर सिंह ते पॉलिटी दा स्पेशल नाकाबंदी की हुई सी, जो एक लॉरेंस गड्डी आई जिस 4 नौजवान सवार सी, जिहड़ी कार दी असी तलाशी की तो वो
एक 32 बोर का रिवाल्वर विद 6 कारतूस कॉटेज, एक देसी 30 बोर का जिहड़ा पिस्टल हैगा वो बरामद किया गया। तो जिहड़े बंदे की पहचान की गई, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, दोषी पुलिस रिमांड पर है, तो देखा जा होर देखते हैं भी इन्हों की लिंक्स है तो कितों ये वैपन लेके आए हैं। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां जीजक ब्लॉक के बजरंदरपुरवा गांव में आजादी के 70 साल बाद भी लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि इस गांव में सड़कें और बिजली न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गांव में चिकित्सा वाहन नहीं आने के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं गांव वालों ने विकास न होने से नाराज होकर चुनाव का बहिष्कार भी किया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में विकास का भरोसा देकर ग्रामीणों से वोट डलवा लिए। बावजूद इसके अभी तक गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। समस्या मेरे गांव की ये है कि ना तो मेरे गांव से कोई सड़क है, ना नाली है, ना खरंजा है, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। 3 साल हो गए यहाँ पोल गड़े हैं, केबल बन गई, आज तक मेरे गांव में करंट नहीं दौड़ा। ना कोई हमारे यहाँ कॉलोनी है, 500 झोपड़ियाँ रखी हुई हैं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई करवाने वाला है। अधिकारी लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। मेरी अधिकारी से बात हो गई, हो सकता है आज ही लाइट शुरू हो जाए या कल शुरू हो जाए, लाइट आज या कल शुरू हो जाएगा। मैं तो निरंतर क्षेत्र में जा रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ, मैं रोड बनवा रहा हूँ, प्रस्ताव में आ गया है, बहुत जल्दी बन जाएगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार। सभी देश व प्रदेशवासियों को सतेंद्र दुबे समाज सेवी की ओर से स्वतंत्रता दिवस, ईद उल अजहा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवालिक गंज पब्लिक स्कूल भगवानपुर की ओर से समस्त देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सुभाष शर्मा वरिष्ठ राजनेता एवं समाजसेवी देहरादून उत्तराखंड की ओर से समस्त देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवस समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। योगेश दहिया राष्ट्रीय परिषद सदस्य आम आदमी पार्टी सहारनपुर की ओर से समस्त देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।